अच्छा तो चाह माना क्या है? देखो प्रैक्टिकल चित्र देखो, जो ब्रह्मा बाबा ने किया वो मुझे करना है, जो ब्रह्मा बाबा ने किया वो मुझे करना है। ब्रह्मा बाबा निरंतर अनुभव किए कि बाबा मेरे साथ हैं, बाबा मेरे साथ हैं, मेरे साथ हैं। जितना बिगाड़ सकते हो बिगाड़ बिगाड़ करो, बाबा मेरे साथ हैं। उसकी लड़की लग जाती है ना, पैसा मिला नहीं, छह महीने के बाद मिलने वाला है, 1 करोड़ की लॉटरी लग गई, लेकिन 6 महीने कैसे रहता है पता या नहीं? और आपको कौन मिला? हाँ बाबा मिला। कौन सी बाबा पता नहीं, कहीं जो जगह पे गया था बोलते पनीर वाले बाबा जहाँ मिले, कहीं मिर्ची वाला बाबा, कहीं बादल वाले बाबा, हमारे कौन सी बाबा है मेरे साथ? सुख का सागर, हाँ सुख का सागर बोलो, आनंद का सागर। देखो कभी कभी दीदी यहाँ पिकनिक बनाते होंगे, क्या बनाते होंगे? पिकनिक प्रोग्राम बनाते हैं। अभी पिकनिक गए नहीं, यहाँ 2 दिन के बाद हम इस जगह पर पिकनिक ब्रह्मा भजन करने, चेहरा कैसा होता है आप क्रिएट करते हो या नहीं? तो बाबा मेरे साथ है, थोड़ा खुशी का क्रिएट करो ना। अरे दुख का क्रिएट तो हमने द्वापर से करके आए हैं, हाँ बाबा मेरे साथ। इतना देखे तो भाई साहब कुछ इतना प्यार है बाबा से, ये प्यार है? नहीं नहीं ये तो प्रेम के आंसू है। तो क्या सत्युग में प्रेम के आंसू होंगे? आंसू का नाम के शब्द नहीं है, तो हमें नहीं है। वो ऑटोमेटिक जो झर जाता है, मुस्कुराते हुए आंखों से झर जाता है, वो बात अलग है। हमें चेहरा को बिगाड़ना नहीं है, नहीं तो योग टूट जाता है। इस 18 जनवरी की मुरली, 1 जनवरी से लेकर 18 जनवरी तक मुरली पढ़ो, या आज तक पढ़ो, एक एक मुरली में बाबा ने कहा जिसके चेहरे में मुस्कुराहट नहीं वो योग नहीं है, जिसके चेहरे पे मुस्कुराहट होगी समझ लो योग लगा है उसका। क्योंकि लाइट अगर आ रही है, प्रकाश अगर जल रहा है, प्रकाश फैल रहा है, मतलब करंट कनेक्शन ठीक है। अगर कनेक्शन नहीं है तो क्या होगा? थोड़ी थोड़ी होगी तो पड़ 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 होगा, अगर बिल्कुल नहीं है तो। और मैं तो बहुत योग लगा रहा हूं, 20 साल पहले की बात बताऊं, एक भाई सामने से आ रहा था, मैंने कहा भाई कहां से आ रहे हो? मैंने क्या हुआ? बोला मैं बहुत डीप योग में, इतना डीप योग आंखें उसकी अंदर घुस गई है और चेन लाइन से सिकुड़ गया, इतना गहरा योग। बाबा बार बार सुनता है योग माला रमणी, भाई आपके चेहरे से खुशी मिलना चाहिए दुख मिलना चाहिए? कोई देख के लगे इनके चेहरे जैसे मेरा चेहरा होना चाहिए, क्या मुस्कुराहट है। चमड़ी की बात नहीं कर रहे कि स्किन नहीं, मुस्कुराहट, ये जो तड़पती हुई भटकती हुई सारे संसार में दर्द में भटक रहे हैं, बाबा भी 2 चीज हमें दे रहे हैं, फरिश्ता बनना अर्थात संपूर्ण स्वरूप संपन्नता को प्राप्त करना है, और उसका आधार है योग। मुझे संपूर्ण बनना है, संपन्न बनना है, क्या बनना है? बदल नहीं रहा चेहरा, फिर बिगड़ रहा है, मुस्कुराए बोलो संपूर्ण बनना है, संपन्न बनना है। जो दुनिया में श्रेष्ठ और धनवान तकदीरवान हसीन होगा उनके सब कुछ अच्छा होगा, नशे में रहेगा या नहीं? तो हमें ईश्वर भगवान मिला है, क्या खुशी है? खुशी है, खुशी है। देखो भाई उठ के गया, माता जी से देख रहे क्यों हम फेल हो जाते हैं बार बार, पास नहीं हो सकते? अगर ये छोटी चीज में पास नहीं हो पाए ना, तो बड़े चीज में भी ऐसे ही आपको भटकाते रहेंगे। तो बुद्धि जो बाबा से लगाते हैं, बुद्धि चारों तरफ चली जाती है, उसके लिए सहज योग है। बाबा ने कहा निरंतर मुझे छत्र छाया बनाओ, जैसे ब्रह्मा बाबा ने कर्म योगी
निरंतर बाबा को महसूस किया कि बाबा छत्र छाए मेरे मस्तक के ऊपर, तो मुझे भी वैसे ही करना है। ठीक है, ठीक है। आत्मा कैसे चमकती है? स्टार जैसा चमकती है। वो अगर खाना खाते है ना, क्या रसगुल्ला का टेस्ट एक्सल होता है क्या? नहीं नहीं नहीं, क्या रसगुल्ला क्या टेस्टी, ऐसे बोलते हो। आत्मा कैसे चमकती है? बोलो ना, मैंने सब करो सब के लिए आत्मा स्टार थोड़ा ऊपर उठा स्टार चमक रहा है। और बाबा कैसे? जैसे आत्मा बिंदी वैसे बाबा भी। बोलो आत्मा जैसे चमकती है बाबा वैसे चमकता है। मैं आत्मा चमक रही हूँ प्रकृति के मध्य में। आंख बंद मत करो भैया, मैं आत्मा चमक रही हूँ प्रकृति के मध्य में। बाबा परम धाम में चमक रहा है, वो तो सदा चमकता है। लेकिन हमें क्या करना है? जैसे ब्रह्मा के मस्तक के पश्चिम बाबा है, मुझे अपने पास ले रहा है। आप सभी ने अनुभव किया है, फिर से करना है। और जो नए आए भाई बहन आधे से भी ज्यादा, वो भी अनुभव करना है। देखना चलते फिरते अभी और अनुभव पक्का हो जाएगा कि बाबा मेरे संग संग चल रहा है। जब उनकी किरणों को आप अपने अंदर संभालेंगे और सचमुच बड़े बड़े विघ्न समस्याएं आपके सामने तोहफा गिफ्ट मिल जाएगा। समझ लो कि दुर्घटना घटने वाली है, डर निकल जाएगी। वो दुर्घटना आपके लिए तोहफा बन जाएगा। हो सकता है होगी नहीं, आपके लिए होने वाला है। बाबा की याद में रहोगे तो सूली से कांटा, कांटा से राई, राई से रुई बन जाएगा, रुई से भी और भी कुछ हो जाएगा, हवा की तरह उड़ जाएगी, पता नहीं चलेगा कैसे आया कैसे। लेकिन तब जब आप छत्र छाया का अनुभव करोगे निरंतर, तो उसके लिए जैसे उसने बोला ये क्या बोला था, कितना दिन याद रहा, कितना दिन याद रहा। और अगर एक एक्शन करें हमें 24 घंटा बाबा याद आ जाए, रहेगा या नहीं? कभी कभी ये ऐसा एक्शन होता है जो जीवन भर याद रहता है। जब भी मैं याद करता हूं मुझे जुड़ता है उसने ऐसे किया था भरी सभा। हाँ या ना? एक एक्शन द्रौपदी ने किया जो महाभारत खड़ी होगी, दुर्योधन मरने तक भी भूल नहीं पाया। कैसे बोला था एक्शन, कैसे किया था द्रौपदी ने, कैसे बोला था? तुम तो नहीं करता, कैसे बोला था, हाँ बिगाड़ा था ना। तो वो एक्शन का रिएक्शन हो गया। तो हमारे जीवन में 2500 साल से हमने नाक से, कान से, आंख से कितनी नेगेटिव एक्शन करके चेहरा को बिगाड़ने की सर्टिफिकेट डिग्री लिया हुआ है। लिया या नहीं? उसको बदलेंगे या नहीं? बदलो ना, एक्टिंग करो। की बात एक्टिंग से ही संस्कार बनता है। हमने रो रो के क्रोध कर करके एक्टिंग किया, तभी जब भी योग करे मुस्कुरा, हो सकता है कि बाबा, बोलो बाबा, परम धाम से उतर कर मेरे मस्तक के ऊपर। ये तो सिर्फ बोला, एक शब्द थोड़ा कर लो बाबा। जब मैं करूँ ना तभी करो क्या? बाबा चमकता हुआ परम सितारा। अभी ये भी मजा नहीं आया, कोई कोई बात है समझ नहीं, कोई कोई बात। बाबा आपके घर में कोई मेहमान आएंगे, कौन आएंगे, कौन मेहमान आ जाए, बैठो बैठो। अच्छा 10 साल की बात मिले ना, कोई बात नहीं, बैठो चाय पीना खाना खिलेंगे। आज तो मैंने यहाँ पनीर का सब्जी खा, हलवा हलवा गाजर की सब, बैठो बैठो, बैठेगा वो आ जाओ बाबा, आ जाओ तो बाबा तो आएगा, लेकिन फिर मुस्कुराएगा बाबा से उतर कर मेरे मस्तक के ऊपर। चौबीस घंटे करो ना मेरा, 24 घंटे
भाई जी लिखना बाद में, राइट लिखना बाद, पहले कर लो बाबा 24 घंटे। अच्छा छोटे छोटे बच्चे सबके घर में तो होगा, अभी नहीं होगा लेकिन आपने देखा अनुभव तो क्या होगा, छोटे बच्चे जो 1 महीने 2 महीने 6 महीने के होते हैं उनको कैसे प्यार करते हैं भाई लोग, प्यार करते हैं या नहीं? मुस्कुरा के। हाँ मुस्कुरा के प्यार करते हैं ना, मुस्कुरा बोलो तो। हाँ जी बोलो। हाँ जी बोलो। हाँ जी हाँ जी। और कैसे प्यार करते हैं उस समय हमारी लैंग्वेज भी चेंज हो जाता है ना, बोलो तो तुम तो बोलते या नहीं, क्योंकि वो जो अंदर से दिल का प्यार है ना वो आप करते नहीं हो, लेकिन दिल का प्यार भाव भाव सब भाव भाव चेंज हो जाता है, बोले मेरे बच्चे करते या नहीं, तो बाबा से कितना प्यार है तो थोड़ा सा लेट करो ना बाबा। देखो दादी जी हमारे किसको भी पूरा अंदर से रो रो में जानती दादी जी की हमारी बोल निकलते हैं, हाँ या नहीं, तो हम भी थोड़ा क्रिएट करना है बाबा आजा तो कहते हैं मैं तो बाबा से लड़ाई कर लिया, बाबा तुमने अगर सचमुच भगवान है भाई हमें लड़ाई नहीं पड़े प्यार से, अभी संस्कार को बदल देना है कि नहीं, मुझे बाप समान बनने के लिए बाबा जैसे निरंकारी शक्तिशाली वैसे मुझे बनना है, बोलो बाबा परम नाम से उतर कर मेरे मस्तक के ऊपर, ऊपर देखो मेरे स्थित हो गए, बाबा से किरणें मुझ पर पड़ रही है। वाह एक मिनट का चला अनुभव करो बाबा मस्तक के बारे में, सुख शांति आनंद पवित्रता मैं जहां भी जाऊं चलते फिरते उठते बैठते 24 घंटे बाबा मेरे साथ है, चलते फिरते घर पहुंचने के बाद भी खाना खाते समय किसी से बात करते समय मुझे अपने आप महसूस होगा बाबा मेरे मस्तक के ऊपर निरंतर उनकी किरणों की छत्र छाया के नीचे मैं आत्मा हूं, लग रहा है हाँ जी, क्योंकि एक्शन का रिएक्शन एक्शन का जो चित्र बनता है वो आत्मा में धीरे धीरे संस्कार बन जाता है, एक एक परत बन जाता है। मैं थाईलैंड में गया था, यहाँ 2016 में बैठी हुई थी, उसके बाद विदेश में काफी जाना हुआ तो थाईलैंड में गया था, कुछ माताएं रोज अभ्यास करते हैं, आज भी वो गार्डन में वॉकिंग करते हैं, तो एक माता जी ऐसे चल रही थी मेरे संग संग चलते हैं बाबा, तो दूसरी माता जी पूछ रही है उसको तो पहली बार देखी ये क्या हो गया उसको यहाँ तो पूरे सिंह कर रही है, तो उसको बुलाया इधर, बोले क्या है ये क्या कर रहे हो तुम्हारे दिमाग तुम्हारे क्या बात हो, बोलता है एक देखो हमारा जो बाबा है ना जिससे मैं जहाँ सेंटर में जाती हूँ योग करती हूँ तो शिव बाबा सर्वशक्तिमान भगवान निराकार ज्योतिबिंदु जो सबका पिता है चमकता हुआ ज्योतिबिंदु
आप वो तो मुझे पता है चमकता हो जल्दी भी तो नहीं रहेगा, हाँ वही तो है, जल्दी ऊपर करता हूं अब भी करो। तो माता जी ने फिर फटाफट हाथ उठाया ऊपर, फिर बोलते हाँ लग तो रहा क्योंकि एक संत का